बुक्कट गोरी बहु कंजू सास काली बहु। बैंड्रा नाम के गांव में गौरव सविता नाम के पति पत्नी को नरेश रमेश नाम के दो बेटे थे। सविता रमेश की शादी बिंदु नाम की अमीर घर की लड़की से करवाई, लेकिन नरेश अपने बचपन की दोस्त श्वेता से शादी किया। इससे सविता बिंदु की देखभाल अच्छे से करती थी, लेकिन श्वेता काली होने के कारण उसके साथ ठीक से नहीं पेश आती थी। उससे श्वेता बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन बेटे नरेश को बुलाकर उससे सविता, रे नरेश, क्यों मेरी इज्जत खराब किए? वो काली गलूटी को लाकर मेरी बहू बनाकर मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो रे? यूं बोली नरेश। माँ, ऐसे क्यों सोचती हो? मेरी पत्नी है, मुझे कुछ नहीं लगता है तो आपको क्यों? वैसे वो मेरी बचपन की दोस्त है, माँ बाप अचानक गुजर गए, उसका मेरे अलावा और कौन है, इसलिए शादी किया, तुम्हें समझना चाहिए। यूं कहा सविता। बाप रे, बड़ा आया दानवीर कहीं का। देखो, तुम कितने भी अच्छे हो उतने पागल भी हो। देखते रहो, तुम्हारी पत्नी को मैं घर से नहीं निकलवाई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। हाँ, यूं बोली नरेश। तुम्हारी मर्जी है माँ, जो करना चाहती हो कर लो, लेकिन जो भी करोगी आगे का परिणाम के बारे में सोच कर करोगी तो अच्छा होगा, कहकर वहाँ से चले गया। उसके बाद सविता बिंदु को सारे किस्म के सब्जियां बनाकर खिलाती थी। श्वेता को खाने के लिए एक रोटी भी नहीं देती थी, फिर भी श्वेता बुरा नहीं महसूस करती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता बिंदु दोनों गर्भवती है ये जानकर उनके पति बहुत खुश हुए, लेकिन सविता दोनों बहुओं को अलग अलग रूप से ही देखती थी। बिंदु को अलग अलग किस्म के पकवान बनाकर देती थी, लेकिन श्वेता को तो ठीक से खाने तक भी नहीं देती थी। बेचारी श्वेता हमेशा दुखी रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद डॉक्टर से मिलकर सविता से श्वेता, देखिए माँ जी, आप सिर्फ मेरी तरफ नहीं आपके बेटे की तरफ भी अन्याय कर रहे हैं। खाना कम खाने पर बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर ने कहा। यूं बोली सविता। ए, कौन हो तुम जो मुझे सिखाने चली? देखो, घर पर तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है, जो करना है कर लो, तुम्हें मैं एक ग्राई भी नहीं दूंगी खाने का। यूं बोली श्वेता। ठीक है, आप इसी बात पर रहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ, कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई। उस रात नरेश से श्वेता जो भी सविता ने किया वो सब बताई। वो सुनकर नरेश श्वेता को जैसे मन में आए वैसे करने के लिए कहा। फिर श्वेता उसके लिए एक कामवाली रख कर उससे अलग अलग किस्म के पकवान बनवा कर खाने लगी। वो देखकर श्वेता से सविता, ए श्वेता, मेरे घर में कामवाली को रखकर बड़ा बिल्डअप दे रही हो, चुपचाप इस कामवाली को यहाँ से भेज दो। यूं बोली श्वेता। देखिए सासू माँ, ये आपका घर है सही है, लेकिन जो मैं खर्च कर रही हूँ वो हर पैसा मेरा है, मेरे खुद का है। बिंदु के लिए आप हो इसीलिए कामवाली की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे कामवाली की जरूरत है इसीलिए रखा है। इस बात पर आपने कुछ ज्यादा कहा तो मैं कल ही दूसरे घर चली जाऊंगी। सोच लीजिए, आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। ये सब गौर करते हुए सविता के पास कामवाली आकर, माँ जी, आपका प्रमोशन मिला है या मुझे समझ नहीं आ रहा है? जो भी हो, आपके घर में काम वाली तो आप भी हो, दोनों एकदम बराबरी तो है। कल से आप क्या खाना बना रही हैं मुझे भी कहिए। श्वेता माँ के लिए आप जो बना रहे हैं उससे कई ज्यादा अच्छी चीजें बनाकर दूंगी और अच्छी तारीफ कमाऊंगी, तब वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी देंगी। यूं बोली तब सविता, क्या तुम घर में कामवाली हो तो इस घर में तुम और मैं एक हो गए? रुको, तुम्हें एक दिन में सबक सिखाऊंगी। यूं बोली कामवाली। देखिए, दोनों बहुओं को अलग अलग तरीकों से देखोगे तो घर कहाँ रहता है। एक और बात शायद आप नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में अपने पड़ोसी घर वाले से बोली तो खूब खरी खोटी सुनाती रह गई आपको तो। वही नहीं, आपके पैर नहीं रहेंगे ऐसे श्राप भी देने लगी, जानती हो। यूं बोली सविता। एक कमीनी, मेरे पे तुम क्यों खुन्नस निकाल रही हो? इसीलिए क्या मेरे पैर आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, कहते हुए गुस्से से अंदर चली गई। उस रात बिस्तर पर सोते हुए मन में सविता, बाप रे, ये श्वेता के मामले में मुझे सतर्क रहना होगा, ऊपर से ये दूसरी जगह चले जाने की भी सोच रही है, अगर उसने ऐसे कर दिया तो पूरी तरह से बेटे के पास हो या गाँव के लोगों के सामने मैं ही बुरी बन जाऊंगी। यूं सोची। इससे अगले दिन से वो श्वेता की भी अच्छे से देखभाल करने लगी। वो देखकर नरेश खुशी नहीं बल्कि उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए श्वेता की खूब प्रशंसा किया।